हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आई विल टीच यू जीके बुक चैप्टर नंबर 10 प्लेसेस अराउंड अस, जो स्थान हमारे आसपास होते हैं उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारे आसपास स्थान होते हैं उनमें है सबसे पहला स्कूल। स्कूल आपको पता है स्टूडेंट, जहां हमें एजुकेशन प्राप्त होती है और हम पढ़ने जाते हैं वो हमारे स्कूल बोला जाता है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आपको बच्चों पता है कि जो मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, वो हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जाते हैं। थर्ड है आपका पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का मतलब होता है जहाँ पर आपका पुलिस थाना होता है, जहाँ पर पुलिस बैठती है, आपकी रिपोर्ट लिखती है। फोर्थ है आपका बैंक। बैंक में बच्चों क्या होता है, पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं। फिफ्थ है आपका मार्केट। मार्केट से हम सभी प्रकार की चीज़ें खरीदते हैं, इसको हम हिंदी में बाज़ार बोलते हैं। सिक्स है हमारा पार्क। पार्क में हम खेलते हैं, ये हमारे खेल के काम आता है। फिर है हमारी बेकरी। बेकरी में स्टूडेंट्स आपको क्या क्या मिलता है, जैसे बिस्किट, नमकीन, केक, पेस्ट्री आदि। फिर आपका बस स्टैंड। बस स्टैंड वो होता है स्टूडेंट्स जहाँ पर आपकी बस आकर रुकती है और वहाँ से ही नेक्स्ट बस चलती है। फिर है आपका फायर स्टेशन। जो गाड़ी आपको आग बुझाने के काम में आती है और वहाँ जिस स्थान से जाती है उसे क्या बोलते हैं, फायर स्टेशन। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है डाकघर, जहाँ से हमें लेटर मिलते हैं, रिसीव करते हैं और हम देते हैं, डालते हैं वापस, तो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस बोला जाता है डाकघर। लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में हमें डिफरेंट बुक्स मिलती हैं और वो हमारे रीड करने के वर्क में आती हैं। रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट्स ऐसा होता है हमारा जो हम फैमिली के साथ जाकर उसमें खाना खा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप इस पेज पे ये तीनों लड़कियाँ हैं, आपको इनको नीचे तक पहुँचाना है, आप देखिए इनको करिए अपने आप। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।